News 18, India. तो कर्नल शैलेंद्र, एक तरफ फ्री एंड फेयर चुनावों की बात हो रही है पाकिस्तान में और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में किस तरह से टारगेट किलिंग की गई है, क्या इनको जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, मैं उस ब्लेम गेम में जनरली नहीं पड़ता क्योंकि हवा बदल अपने आप में मेरा सर की अलग जगह है। इतना कंजेस्टेड एरिया है कि आप अनबिलीवेबल होगा और साथ ही साथ इस तरह की ऑड किलिंग होना, मैं इसे स्ट्रेट अवे पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन यस, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पर हमेशा से आई है, आएगी और आती रहेगी क्योंकि ऑपरेटर ऑफ टेररिज्म, क्रिएटर ऑफ टेररिज्म, सपोर्टर, वोकल सपोर्टर अपने आप में इज ओनली एंड ओनली पाकिस्तान। इस वजह से मैं ये जरूर कहूंगा कि यस, पाकिस्तान का अगर इसमें हाथ होता है तो कोई बहुत बड़ी सरप्राइज बात नहीं है। एंड एट द सेम टाइम इस तरह की किलिंग का कनेक्शन इलेक्शन से लेना इज ओनली जायज कि यस, आप देख पाएंगे कि ध्यान डाइवर्ट हो जाए कि देखिए जी अभी भी श्रीनगर में क्या होता है। उससे फायदा हमको ये होता है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर शायद ध्यान कम जाए। बट मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से वैल्यूएट करके बता सकता हूं, तो आप देख लीजिएगा इलेक्शन हुआ होगा, आज वायलेंस होगा, पार्शियलिटी होगी और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन खत्म होने के बाद बॉटम लाइन यही आएगी हर पार्टी की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, इंटेलिजेंसिया की तरफ से, कि आर्मी द्वारा सिलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी। कमर चीमा साहब, जो बात कमर शैलेंद्र कह रहे हैं, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे, आप ये बताइए, दिल से कहिएगा, क्या आपको लगता है कि इस बार जो प्रधानमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, वो इलेक्टेड पीएम होगा? क्योंकि कर्नल चैलेंज लगातार ये बात बोल रहे हैं कि वो सिलेक्टेड पीएम होगा, होगा वही जो फौज चाहेगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात हो रही है लेकिन पोस्टर्स लग रहे हैं, टेररिस्ट पोस्टर लगा रहे हैं, धमका रहे हैं तमाम कैंडिडेट्स। आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, तब तक मैं ओपी के पास जाना चाहूंगा। ओपी, जरा आप ये बताइए, नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मैं जितना नुकसान हुआ है उससे उबारूंगा पाकिस्तान को, ये वादा कर रहे हैं, उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने किस तरह से उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ गया था, ऐसे में इस तरह का क्लेम वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, नवाज शरीफ जो कह रहे हैं वो बेसिकली फौज के कहने पर कह रहे हैं, क्योंकि फौज ही जो है पाकिस्तान का आर्थिक एजेंडा भी तय करती है। पाकिस्तान की फौज इकलौती फौज ऐसी है जिसके कमांडर्स और जनरल पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैठकों में भी भाग लेते हैं और उस वहाँ पर वो सेलेक्ट करते हैं कि किस मद में कितना पैसा जाएगा, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा पैसा वो फौज के मद में आता है, इसलिए वहाँ के फौजी अधिकारी सबसे ज़्यादा अमीन हैं। लेकिन नवाज शरीफ को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज ने उनके साथ क्या किया था, कहा था, किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूँ पंकज, कि पाकिस्तानी फौज, संभवतः जो हमारे सूत्रों में बता रहे हैं, नवाज शरीफ तो फिलहाल प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं। सूत्रों का कहना है कि शहबाज शरीफ, अगर उनकी पार्टी आई, चूंकि मिलीजुली सरकार तो वैसे ही बननी तय लगभग मानी जा रही है, लेकिन अगर उनकी पार्टी आई तो नवाज शरीफ तो तब भी नहीं प्रधानमंत्री बन पाएंगे, चूंकि शहबाज शरीफ जो है वो दूसरे देश के और पाकिस्तानी फौज के ट्रस्टेड आदमी हुए हैं, और ऐसे में उनके जो भतीजे हैं शहबाज शरीफ तो बन सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ ये बयान ज़रूर देंगे चूंकि उनकी पार्टी को वोट मिलना है। और जहाँ तक फौज की बात है पंकज, मैं आपको बता दूँ कि फौज ही सेलेक्ट करेगी इस बार कि कौन मुखिया होगा पाकिस्तान का, चूंकि अगर आप देखें आतंकवादी हमलों की बात, तो आतंकवादी हमले कहाँ हुए हैं? सिंध में हुए हैं, बलूचिस्तान में हुए हैं, जहां पर इमरान खान की पार्टी का बोलबाला है, लेकिन पंजाब में जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां पर एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। आप ये कह सकते हैं जहां पाकिस्तानी फौज ने चाहा वहां आतंकवादी हमले होने दिए, और जहां नहीं चाहा वहां आतंकवादी हमले नहीं होने दिए। पंजाब प्रोविंस जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं, बलूचिस्तान प्रोविंस जो इन चारों प्रोविंस में सबसे ज्यादा बड़ा है लेकिन सबसे कम सीटें हैं, इसलिए वहां पर जो है फौज का ध्यान नहीं जाता, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध में, पेशावर में लगातार आतंकी हमले हुए, और पाकिस्तानी फौज ने जो खुद को मिडिल ईस्ट की सबसे बेहतरीन फौज होने का दावा करती है, वो आतंकवादियों पर लगाम नहीं लगा पाई। तो क्या यह माना जाए कि खुद को बेहतरीन फौज बताने वाली पाकिस्तानी फौज ने आतंकवादियों के सामने सरेंडर कर दिया है? क्योंकि सबसे ज्यादा हमले बलूचिस्तान, सिंध, पेशावर में हुए, और पंजाब जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां पर एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ। इसलिए यह इलेक्शन जो लोग कह रहे हैं, यह पाकिस्तान का इलेक्शन फॉर सिलेक्शन है पंकज। बिल्कुल कमर चीमा, अब हमारे साथ जुड़ गए। कमर चीमा साहब, जरा आप बताइए कि हम देखते हैं कि जो चुनाव है, इलेक्शंस जो होते हैं वो एक तरह से फेस्टिवल की तरह होता है, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग पार्टीज हैं, उनके नेता रैली करते हैं, रैली पर पूरी तरह से बैन लगा लिया गया, पुलिस ने तुरंत मनाही कर दी कि आप रैली नहीं कर सकते, ऐसे में अपनी बात आवाम तक कैसे कोई नेता पहुंचाएगा?
फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे जा रहा है, तो किस तरह से लें इसको? देखिए ये जो बात है कि रैलीज नहीं कर सकते, देखिए वो तमाम लोग जो तहरीके इंसाफ के इमरान खान की पार्टी के, वो लोग जिनके ऊपर केसेस नहीं है, आपको पता 9 मई जो लास्ट ईयर इमरान खान की जब गिरफ्तार किया गया एक केस के अंदर, तो इमरान खान की पार्टी ने GHQ फौज और डिफरेंट कोर कमांडर लाहौर और बहुत सारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले कर दिए, तो रियासत पाकिस्तान ने उस पर फैसला किया। आपको पता कि इमरान खान की पार्टी ने कोर कमांडर के घर को आग लगा दी इस बात पे कि जी इमरान खान को जो गिरफ्तार किया वो फौज ने किया। सो क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं वो अपने केसेस अदालतों में भुगत रहे हैं, बाकी लोग अपनी जाके पॉलिटिकल रैलीज करें। अब शाह महमूद कुरैशी जेल में है, उनकी बेटी और उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह हर पॉलिटिशियन जो है जिसको जिसके ऊपर केसेस हैं वो अपने केसेस को भुगते, बाकी जाके इलेक्शन करे। अब किसने, अब इमरान खान को तो ये किसी ने नहीं ना कहा उनकी पार्टी के लोगों को कि आप फौज पे जाके अंदर हमले कर दें, कोर कमांडर का घर जला दें, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले कर दें। ये काम तो उन्होंने खुद किए हुए हैं, उनको किसी ने उकसाया नहीं है। सो जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं वो लोग अपने केसेस भुगतेंगे, जिन लोगों के ऊपर कोई केसेस नहीं है वो जाके अपना इलेक्शन लड़े। क्वेश्चन ये है कि फौज के ऊपर तनकीद करना बहुत आसान है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती, लेकिन मैं ये भी कह मानने को तैयार नहीं हूं जी कि फौज मैनिपुलेट कर रही है 100%। आज जब पूरे पाकिस्तान, ये गारंटी देते हैं कमर चीमा साहब आपकी, आज किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, आराम से ये जो इलेक्शन है वो हो जाएगा? देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 6.5 लाख के करीब लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं, और फौज भी इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो पोलिंग बूथ्स के बाहर सिक्योरिटी दे रही है, क्योंकि फौज अगर नहीं करती तो पुलिस तो चीजें मैनेज नहीं कर पाती। सो लोगों को आजादी है, जिसको मर्जी वोट दें। आज इमरान खान की जो पार्टी के लोग हैं उनके बैलेट पेपर के ऊपर नाम है, अंदर कमरे में जाएं, कमरे में जाके जिसको मर्जी वोट डालें, ये उनका हक है। कर्नल शैलेंद्र, जरा 30 सेकंड का कॉमेंट आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि एज अ गुड नेबर हम हमेशा चाहेंगे कि पाकिस्तान में तभी तो जिंदगी का कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। कमर चीमा साहब अपनी देश की इज्जत के लिए, अपने जज्बे के लिए जो कुछ कह रहे हैं सर आंखों पर मान ली। मुझे खुद बताइए उनका कन्फेशन है, उनका आप उनसे क्यों गारंटी मांग रहे हैं और उन्हें एम्बरेस कर रहे हैं? वो खुद कह रहे हैं कि फौज लगाई गई है। भाई कौन सी ऐसी कंट्री है जहां फौज लगती है नॉर्मल इलेक्शन कराने के लिए? क्या बात कर दी, हो ही नहीं सकता। अगर भाई आप खुद बताइए, मैंने तो नहीं कहा, क्या बोला शरीफ साहब ने पहले कि जी फौज ने मेरा चाकू मार दिया पीठ। इमरान साहब ने क्या बोला कि इनकी ही चलती है, ये ही मुझे गिरा रहे हैं, यही हमारे देश की प्रॉब्लम है। अब आप उस फौज को सपोर्ट करें, एज अ फौजी मैं भी चाहूंगा कि अपने देश की फौज की इज्जत करें, लेकिन जनाब आंख बंद करने से सच्चाई नहीं पलटेगी, सच्चाई रहेगी। आपको पता है कि यस यहां पर सब कुछ पाकिस्तान में फौज कराती है, और मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी इनसे सीख ले ले कि किसी तरह अपना इलेक्शन जीतने में अगर फौज का साथ लेना पड़ता है ले लो, लेकिन उसके बाद कम से कम अपने 5 साल का टेन्योर कम से कम जिंदगी में एक बार तो पूरा करके दिखाओ। आप तो टेन्योर भी आपका डिसाइडेड आर्मी द्वारा है, मैं क्या करूं इसके अंदर? ठीक, कहां पर कम? चलिए कर्नल शैलेंद्र आप हमारे साथ जुड़े चर्चा में, कमर चीमा पाकिस्तान से आप हमारे साथ थे, ओपी तिवारी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे कुछ देर बाद यानी भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे इलेक्शन प्रोसेस यानी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मतदान शुरू हो जाएगा पाकिस्तान में, और शाम तक ये 5:30 बजे तक चलेगा, और उसके बाद आज से लेकर कल तक नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे।